दतिया में कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों का काफिला मुस्तैदी से मैदान में उतर गया है। शनिवार को आई चाय बेचने वाले की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट के मुताबिक प्रशासनिक अमले ने चाय बेचने वाले युवक के घर व गली को कंटामिनेट किया है। चाय बेचने वाले युवक ने बताया कि वह खुद एक दिन पहले शासकीय हॉस्पिटल जाकर कोरोना की जांच करवा कराया था। आपको बता दें कि चाय बेचने वाला युवक खुद गाड़ी लेकर स्थानीय पुलिस थाना, शासकीय हॉस्पिटल सहित दर्जनों दुकानदारों के यहाँ युवक चाय देने जाता था। तहसीलदार शिवराम कनास से ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अनुज शल्या, जनपद सीईओ रविकांत उइके सहित अधिकारी और पुलिस प्रशासन के सेवादार मौके पर पहुंचे हैं। वहीं कोरोना के भयानक काल में घटिया तहसील मुख्यालय अभी तक वायरस के प्रकोप से बचा हुआ था। चाय बेचने वाले युवक द्वारा कहा गया कि घटिया मुख्यालय के आधे से ज्यादा दुकानदारों व पुलिस थाने के लोगों को मैंने खुद चाय दी है। कोरोना मेडिकल टीम ने तुरंत सभी की कोरोना की जांच करने के आदेश दिए व सभी से मोबाइल के द्वारा संपर्क शुरू कर दिया है। प्रशासनिक अमले ने शनिवार देर रात 11:30 बजे पॉजिटिव युवक के घर व दुकान को प्रतिबंधित एरिया घोषित किया है। घटिया में कल एक पॉजिटिव केस की पुष्टि होने के बाद उस क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है और जो संबंधित व्यक्ति है उसको रेफर किया गया है। अभी पूरे कंटेनमेंट एरिया का स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा घर टू घर जाके जो है सर्वे किया जा रहा है और पूरे क्षेत्र को हमने अभी सैनिटाइज किया हुआ है। सर, बताया जा रहा है कि चाय वाला है और सभी विभागों में चाय बांटता था। व्यक्ति और उसके संबंध में जो भी फर्स्ट कांटेक्ट हैं, जिनके भी संपर्क में वो आया है, उसकी कांटेक्ट ट्रेसिंग हमारे द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी सिम्टोमेटिक केस पाए जाएंगे उनके भी हम सैंपल लेके आगे की कार्रवाई करेंगे।